आपको और भी बताता हूँ, जहाँ ये भी पूरा एक पाली बनी हुई है जिसमें से बरसात का पानी बहता है, इसमें भी पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ये आइए मैं आपको उबल रहा था उसको भी बंद करवाया हमने, और ये जो मोवर रखा था इसको भी फेंका। तो ये डिब्बे हैं जो जमीन में यहाँ गाड़ के रखे हुए थे, उसको हमने रात में कुछ डिब्बे को जो हमको जितने मिले 50% इस 1.5 किलोमीटर की गाड़ी में लगभग 50% डिब्बे जो करीबन 300 डिब्बे हैं वो निकाले हैं हमने। कुछ को जलाया, कुछ रखे हुए भी हैं जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, और जो अभी हैं वो ये हैं। और हर जगह गाड़ गाड़ के जो 50% अभी भी ज़मीन में गड़ा हुआ, और दारू भी जो कच्ची शराब होती वो भी अभी ज़मीन में गड़ी हुई है। इस प्रकार से यहाँ ये शराब उगा दी। मैं माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एसडीएम महोदय, थाना प्रभारी इंगोरिया, टीआई महोदय से निवेदन करना चाहूँ, हमारे गाँव में पूर्ण रूप से लॉकडाउन का ये पालन कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो इसमें इस परिस्थिति को पूरी तरह से बिगाड़ रहे हैं। सुबह से शाम तक गाड़ियाँ आती है गांव में, और जो इस कच्ची शराब लेने के लिए आती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे गांव में भी एक कोरोना वायरस से एक डर है का माहौल बन चुका है कि अगर कोई बाहर से व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति आए तो वो पूरे गाँव को। अतः मैं एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूँगा सभी महोदय से कि हमारे गाँव में पूर्ण रूप से शराब प्रतिबंधित किया जाए। धन्यवाद।